नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, रेलवे में जब तक ज्वाइनिंग ना हो जाए तब तक कुछ भी विश्वास करने लायक नहीं है। जो आपका एग्ज़ाम कैलेंडर आया है, क्या उस पर भी विश्वास किया जा सकता है? मुझे तो नहीं लग रहा है कि विश्वास किया जाना चाहिए। जिस तरह के जो नोटिस है वो बार बार आ रहे हैं यहाँ पे, हालांकि ये जो नोटिस है वो GDC के एग्ज़ाम के तहत आ रहे हैं, लेकिन इसमें भी देखिए हर एक मोड़ पे कुछ ना कुछ पेच फंसा के चीज़ों को डाइवर्ट कर देना और उसके बाद बच्चों को परेशान करना, यही रेलवे का नीति बन चुकी है। और अक्सर ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि कोई और एग्ज़ाम में इतना फेरबदल नहीं होते हैं जिस तरह से रेलवे में होते हैं। और यहाँ पर जो एग्ज़ाम होने थे उसको ख़त्म कर दिया गया, या आप कह सकते हैं कि पोस्टपोन कर दिया गया, और उसके बाद जो है वो ये भी नहीं बताया गया है कि कब एग्ज़ाम होगा। तो तमाम चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीडियो शुरू हो, मैं आपको बता दूं कि टेक्स्ट बुक का लाइफ टाइम जो स्पेशल सेल है वो 19 से 22 फरवरी के बीच चल रहा है, जहाँ पे आपको बिगेस्ट डिस्काउंट दिया जा रहा है। कोई भी एग्ज़ाम हो, इंडिया के तमाम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, और ये लाइफ टाइम आप कर सकते हैं। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो तब तक कर सकते हैं, यानी कि ज़िंदगी भर कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। ईआर मनीष कूपन कोड यूज करते हैं, 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जा रहा है आपको। 1199 वाला जो आपको प्रो पास का जो दाम था उसको घटा के 483 रुपया कर दिया गया है, अनलिमिटेड बात लगा सकते हैं। और अगर आपका एग्जाम में सिलेक्शन हो जाता है तो आप पे इस पैसे को रिफंड भी कर सकते हैं, ये इसमें ऑफर है, ठीक है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, जल्दी से ग्रैब कर लीजिए क्योंकि ये लिमिटेड समय के लिए है, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था कि ये जो चीजें दे रखी है, अब देखिए कि यहाँ पे आपके GDC एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए दे रखा था, और जनरल मैनेजर को लिखा गया है, सभी जनरल मैनेजर को देखिए लिखा गया है, जोनल रेलवे बेयर एडवाइस टू RBE 80/2023 टू नोटिफाइड GDC वैकेंसी फॉर 4 पोस्ट है, ALP, JE, टेक्नीशियन एंड आपके ट्रेन मैनेजर, ठीक है। एंड इट वॉज फर्दर डायरेक्टेड इन द सेड इंस्ट्रक्शन डेट ए कॉमन एग्जाम शैल बी हेल्ड फॉर ऑल जोनल रेलवे, यानी कि अब हर एक जोन का GDC नहीं होगा, एक ही एग्जाम होगा। जैसे आपके ओपन मार्केट में होते हैं एक ही एग्जाम होते हैं, उसके बाद सभी जोन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं बच्चे, तो उसी तरीके से GDC का भी जो एग्जाम है वो कॉमन होगा, यानी कि सभी जोन के एक ही एग्जाम होंगे, वो अलग अलग जोन के लिए अलग अलग वैकेंसी होंगे, ठीक है। तो ये कहा गया था इन द यहाँ पे इन द मीन टाइम सम ऑफ जोनल रेलवे हैव सॉट बोर्ड्स परमिशन टू होल्ड GDC एग्जामिनेशन इंडिया रेलवे लेवल। कहने का मतलब ये है कि कुछ जो जोन है वो कहे हैं परमिशन मांगे हैं कि जो एग्जामिनेशन है उसको होल्ड किया जाए, ठीक है। यहाँ पे देखिए द मैटर हैज़ बीन कंसिडर्ड केयरफुली, और इसको कंसीडर भी किया गया जो इन्होंने जोनल रेलवे ने उठाया था, एंड इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू वेव द कंडीशन ऑफ कॉमन एग्जामिनेशन। कहने का मतलब यह है कि अब इसको हटा दिया गया है कॉमन एग्जामिनेशन को। पहले क्या था कि कॉमन एग्जामिनेशन यानी कि पूरे जोन का एक ही एग्जामिनेशन, तो उसको अब वेव कर दिया गया है, यानी कि कुछ दिन के लिए, ऐसा नहीं है कि ये परमानेंट हो गया, हटा दिया गया है। हो सकता है कि अभी नया नया इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, नया नया लागू करना है तो थोड़ा दिक्कतें आ रही होगी, तो उसको हटा लिया गया है अभी, लेकिन बाद में ये लागू हो ही जाएगा, ये आपको भी पता है। तो उसके बाद इट इज़ डायरेक्टेड दैट यहाँ पे देखिएगा, जोनल रेलवे व्हिच वेयर एक्सपीरियंसिंग डिफिकल्टी ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ एम्प्लाई इन नोटिफाइड कैटेगरी इंक्लूडेड इन RBE 80 2023 डायरेक्ट आर परमिटेड टू होल्ड GDC एग्जामिनेशन एज हेल्ड ईयरलियर एट द ON लेवल अंडर इंटीमेशन टू बोर्ड्स ऑफिस। यानी कि अब जो कुछ जोनल रेलवे है जो है वो फेस कर रहे हैं डिफिकल्टी को, उनको ये परमिट किया जाता है कि वो अपना जो एग्ज़ाम है वो होल्ड कर दे, यानी कि इसको इंटीमेट किया गया है, यानी कि उनको बताया गया है कि अब आप जो डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं जिसकी वजह से आप एग्ज़ाम को होल्ड कर सकते हैं। तो देखिए, अगर होल्ड कर देते हैं एग्ज़ाम को तो इम्प्लॉय पे प्रभाव पड़ेगा, कुछ बच्चे तैयारी कर रहे होंगे, इंटरनल जो एग्ज़ाम होता है उसकी तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन अब होल्ड हो गया तो अब बच्चे परेशान कि कब इसका एग्ज़ाम होगा, तो उसके ड्यूटी पर भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो टोटल कहने का मतलब ये है कि जो रेलवे है वो अनएक्सपेक्टेड करती है,
ये बाहर वाले बच्चों के लिए तो करते ही है, यानी कि ओपन मार्केट के बच्चों के लिए आप देखे होंगे कभी ये नोटिस कभी वो नोटिस, कभी इस तरह के कम वैकेंसी, कभी वैकेंसी में भी डिफरेंट कैटेगरी के डाल देते हैं कि लेवल 1 के पोस्ट है, लेवल 2 के पोस्ट है, लेवल 5 के पोस्ट है। तो इस तरह से सिर्फ और सिर्फ डिफिकल्टी यहाँ पर बनाई जा रही है रेलवे के बच्चों के साथ। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।